हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप लोग, तो आज आपके लिए फिर लाए एक नए वीडियो। वीडियो का टाइटल देख ही चुके, कुछ धार्मिक मान्यताओं के पीछे का सच। तो क्या धार्मिक मान्यताओं के पीछे का सच देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे और हर एक तक शेयर कर दे ताकि उसको भी पता चले कि क्या है धार्मिक मान्यताओं का सच। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर वन से। तो चलिए देखते हैं क्या है। कहता है रात में नाखून काटना, क्या आप रात में नाखून काटते हैं? तो चलिए इसके पीछे का सच देखते हैं। मान्यता है इससे बुरी किस्मत साथ छोड़ जाता है। अब लॉजिक क्या कहता है, पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजार का इस्तेमाल किया जाता था, इससे अंधेरे में उंगलियां कटने का भी डर होता था। ये मान्यता आपको कैसा लगा? चलिए सेकंड में चलते हैं, मंदिरों में घंटी बजाना जो हम लोग बजाते हैं, तो इसके पीछे मान्यता क्या है? कहता है मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या कहता है, ज्यादातर मंदिरों में तांबों की घंटी लगी होती है। तांबे के बजने से निकलने वाली ध्वनि आसपास की सूक्ष्म बैक्टीरियों को मारती है, साथ ही शरीर के सात केंद्रों को एक्टिव कर देते हैं। तो ये मान्यता आपको कैसा लगा जरूर बोले। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है सांप को मारने के बाद सिर कुचलना, मान्यता क्या है? कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसके आंखों में छप जाते हैं। हमारे दादा सब, हमारे बड़े सब बोलते थे कि सांप को मारते हैं तो उसको पूरी तरह से मार देना नहीं। लॉजिक क्या है? लॉजिक कहता है सांप को मारने के बाद भी उसकी जहर लोगों को मार सकता है, इसीलिए उसके सर के कुचल कर दबा दिया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चौथा, दही खाकर घर से निकलना, ये तो एक बहुत बड़ा ही मान्यता है। जो हम हर वक्त कहीं शुभ कार्य करने जाते हैं तो दही खाते हैं, तो इसके पीछे का मान्यता क्या है? तो चलिए देखते हैं। कहता है इसे खाकर घर से निकलना शुभ होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी जान लेते हैं। गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है, साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। तो चलिए और देखते हैं आगे क्या है। ये लॉजिक ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को और कर दे। तो चलिए देखते हैं पांचवा क्या है। तो कहता है दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना, जो हम हर एक वक्त लटकाते हैं कि भैया इसके पीछे मान्यता क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसके पीछे मान्यता क्या है, तो चलिए देखते हैं। कहता है इससे बुरी नजरों और बुरी ताकतें दूर होती है। और लॉजिक भी देख लेते हैं। लॉजिक कहता है नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड होता है जो कीड़े मकोड़ों को घर से अंदर आने से रोकता है। तो चलिए फिर बैठे बैठे खाते हैं और खाते खाते देखते हैं छठा क्या है। बैठकर खाना खाना, जो हम सब खाते हैं, मान्यता जमीन पर बैठकर खाना नहीं, खाने से आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? कहता है जमीन पर बैठकर खाने से आपकी पाचन क्रिया ज़्यादा अच्छा से काम करती है और खाना आसानी से पच जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं सातवां की तरफ और देखते हैं क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है ग्रहण के समय बाहर न आना, ये इसकी क्या मान्यता है? तो कहता है बुरी ताकतें हावी हो जाती है ग्रहण के समय बाहर निकले, तो ये मान्यता है। और लॉजिक देखते हैं क्या है, ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणें से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने से अंधे भी हो सकते हैं। भैया ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए आठवां देखते हैं। तो आठवां अब इसी पे ख़त्म करते हैं। आठवां आगे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने धर्म और संस्कृति और इतिहास को गलत बोलने से पहले समझे और पढ़े। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोले, और कौन से मान्यता आपको अच्छा लगा ये भी हमें बोले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके साथ लाते रहकर आप ऐसे ही मान्यताओं के ऊपर और ही अच्छी अच्छी चीज़ों पर वीडियो लाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बोले और आपके साथ ऐसे ही वीडियो लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और ये वीडियो को शेयर करते रहिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।